यूपी के रायबरेली में हाथरस युवती से गैंगरेप मौत मामले में समाजवादी पार्टी ने कैंडल मार्च निकालकर मनाया स्मृति दिवस। हाथरस कांड के एक वर्ष पूरे होने पर सपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बिटिया को दी श्रद्धांजलि। शहर क्षेत्र के सुपर मार्केट से डिग्री काल चौराहे तक किया पैदल मार्च। कैंडल मार्च निकाला गया अध्यक्ष जी, क्या वजह है? देखिए, आज ही के दिन हाथरस में एक दलित बेटी के साथ अत्याचार हुआ था। उसकी हत्या नसंस हत्या ही नहीं की गई थी, हत्या करने के बाद उसे रातों रात जला करके उसके शरीर को तहस नहस किया गया था और रात में ही उसे जबरन पोस्टमार्टम कर दिया गया था बिना घर वालों की अनुमति के। तो इस तरह की तमाम घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में आए दिन हो रही है। बहन बेटियों की इज्जत आबरू खतरे में है। प्रतिदिन कोई ऐसा दिन नहीं बीतता जिस दिन किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार इस सरकार में नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आए दिन बड़ी घटनाएं होती है, चाहे वो ना हो, हाथरस हो, लखीमपुर खीरी हो, शाहजहांपुर हो, बनारस हो, इस तरह कितने नाम गिनाए। उत्तर प्रदेश के हर जनपद में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है। आज उसी जो अत्याचार हाथरस की बेटी के साथ हुआ था, आज उसका एक वर्ष पूरा हुआ है और जो न्याय मिलना चाहिए था उसके परिवारजनों को, वो न्याय नहीं मिला है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के निर्देश आज हम लोगों ने एक दीपक जला करके उस आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने आज स्मृत और उन्हें याद कर किया है।